अस्सलाम वालेकुम, 99 स्पाइस फूड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट। आज हमारा बनने जा रहा है पहला वीलॉग, तो चलते हैं वीलॉग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आपको सर्वे करवाएंगे गुल प्लाजा का। यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की वैरायटीज़ मिलेंगी, तो हमने सोचा हमने अपना पहला जो वीलॉग बनाना है हम अपना यहाँ से शुरू। कराची की नामवर मार्केट, और इसमें आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी कि आप सोच के हैरान रह जाएंगे। जी जनाब, तो यहाँ पे आपको मिलेंगी बेशुमार बेबी एक्सेसरीज, होम अप्लाइंसेस, क्रॉकरी, आर्टिफिशियल प्लांट्स, लैम्प्स, क्लॉक्स, डेकोरेशन और या जहाँ की चीज़ें। टॉयज तो मैं बताना आपको भूल ही गई, यहाँ पे अलग से थर्ड फ्लोर पूरा टॉयज का है। तो जनाब अब आपको बताते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या ख़रीदारी करी। हम लोग गए थे यहाँ पे बहुत ह्यूज वैरायटी थी, मेला वाइन के बोल्स थे, बेकिंग मटेरियल आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और आप जो चाहते हैं। हम लोगों ने यहाँ से एक बोल सेट लिया था जो तकरीबन 5 बोल्स हैं, 5 मल्टी कलर की लिड्स हैं उसकी और सॉफ्ट कलर में हैं। वो हमने ज़्यादातर मैरिनेशन के लिए और डो वगैरह बनाने के लिए लिया था। अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे बेशुमार चीज़ें हैं, क्या ख़रीदें क्या छोड़ें कुछ समझ ही नहीं आता। देखते जाएं ख़रीदते जाएं, नो लिमिट। यहाँ पे सेक्शन प्लेट्स हैं बच्चों के लिए, सिज़लर रखा हुआ है, फ्राइंग पैन्स हैं, मेलामाइन प्लेट्स हैं, टी सेट, डिनर सेट, मेलामाइन सेट, प्लास्टिक सेट, प्लास्टिक ड्रोर्स, बच्चों के सेक्शंस, दुनिया जहाँ की चीज़ें। ये हैं हमारे वो बोल्स जो हमने आपको बताए थे, 5 बोल्स आपके सामने गिने हैं इन्होंने, उसकी 5 लिड्स, और ये हमने करवा दिए हैं पैक क्योंकि हमें ये आ गए थे पसंद और हमने जल्दी से ये ले लिए। जल्दी जल्दी लेना होता है यहाँ पे, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है, जगह बहुत बड़ी है, बेतहाशा बड़ी। आप एक नहीं 10 चीज़ें खरीदने खड़े हो जाएंगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, कार्ड इशू निकल जाएगा, लेकिन सामान की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ये आपको दिखा दी चलूँ, ये एक टूथपिक स्वीटनर है और ये हमने लिया था। अब ये देख लीजिए हमारा टोटल हो चुका है। अब भाई साहब ने डिस्काउंट नहीं करा था, लेकिन चलो जब हम मशहूर हो जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा डिस्काउंट हमें मिल जाएगा। खैर डिस्काउंट तो किया था थोड़ा बहुत उन्होंने। तो यहाँ से चलते हैं अब आगे, यहाँ पे हमारा टोटल हो गया है। अब इस दुकान पे से हमारा काम हो गया है ख़त्म। ये आपको कप्स और सॉसर दिख रहे होंगे, बहुत सारे कप्स और सॉसर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आपके गुमशुदा जो आपको सेपरेट में चाहिए होते हैं वो भी आपको यहाँ पे सॉसर्स या कप आपको जितने रिक्वायरमेंट हो मिल जाएंगे। एक चाहिए एक मिल जाएगा, 6 कप चाहिए 6 कप मिल जाएगा, पूरे टी सेट्स मिल जाएंगे आपको। और सबसे बड़े बेनिफिट तो ये होता है कि अगर हमको एक कप मिल जाए तो क्या ही बात है। गिफ्ट्स के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, शादियों पे तोहफे देने के लिए, बर्थडेज पे गिफ्ट्स देने के लिए, डेकोरेशन आइटम्स वगैरह। यहाँ से भी हमने काफ़ी चीज़ें ली थी। काफ़ी लोगों के पास बेकिंग का है क्योंकि रुझान बेकिंग का ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, बेकिंग काफ़ी आम हो गई है। यहाँ से हमने ये लिए थे, काफ़ी अच्छे रेट्स में हमको यहाँ पे मिल गए थे। और अब हम बाहर की तरफ चलेंगे। एक चीज़ जो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि हर चीज़ अच्छे दाम में मोबाइल होल्डर्स तक मिल रहे थे। चले जी बाहर आ गए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे बहुत खूबसूरत लैंप्स थे और टिश्यू बॉक्स नज़र आ रहे हैं आपको ऊपर की तरफ और पीछे। ये मेरा फेवरेट पार्ट था जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अब। तो आप भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। ये LED वॉर्म लाइट्स के साथ हैं यहाँ पे और डस्टबिन्स रखे हुए हैं पीछे, डेकोरेशन पीस, और पूरी ये शॉप थी डेकोरेशन की, होम इंटीरियर की, लेकिन मैं यहाँ पे गई नहीं क्योंकि हमारे पास वक्त काफ़ी कम था। ये इंडोर प्लांट्स हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मिल रही थी नाइफ, खुली 100 रुपीज़ की नाइफ थी और बहुत ज़बरदस्त नाइफ थी, और इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें थी हम लोगों ने देखी थी। यहाँ पे जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा कटर के सेट्स थे यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और ये आ गई है अब बेकिंग शॉप, यहाँ पे आपको हर साइज़ का मोल्ड मिलेगा। और यहाँ पे ये वुडन सर्विंग्स मिल रही थी जो हमने यहाँ से ली थी। अब हमारी वीडियोज़ पे आप आगे आगे देखते जाएंगे, जो जो चीज़ें हमने ली हैं इस्तेमाल करते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसकी डिटेल्स भी बताऊँगी कि ये सब चीज़ें कैसी रहीं। तो जनाब अब बारी है आप लोगों की, आप हमें बताएंगे कि आपको ये वीलॉग कैसा लगा। आप गुल प्लाजा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या किसी और मार्केट का सर्वे करवाना चाहते हैं, किसके बारे में आपकी
क्या ख्वाहिश है, क्या तासुरात हैं हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, और साथ ही साथ हमारी बाकी जो रेसिपीज़ की वीडियोस हैं उनको भी लाइक कर दी जाइए, शेयर कर दी जाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।